मुजफ्फरनगर में एसएसपी विनित जायसवाल ने खतौली विधानसभा चुनाव की मतगणना ड्यूटी में लगे सिविल पुलिस पीएससी और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी क्राइम प्रशांत कुमार प्रसाद, एसपी क्राइम कुलदीप सिंह समेत सभी क्षेत्राधिकारी एवं ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एसएसपी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही बताया कि मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम पर सतर्कता बरतते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि मतगणना को निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जा सके। मतगणना स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवगत कराएं। साथ ही कहा कि ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और समस्त पुलिस बल गरिमा बनाए रखते हुए पूर्ण सतर्कता बरतते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। देखिए, कल खतौली विधानसभा के जो मतदान संपन्न हुआ है उसकी मतगणना है, इसके संबंध में यहाँ जितने भी हमारा पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात है उनको ब्रीफ किया गया है सभी उच्चाधिकारियों द्वारा, सभी ड्यूटी पॉइंट्स को समझाया गया है। इस पूरी व्यवस्था को सेक्टर में बांटकर सभी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जिसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पीएसी की तैनाती की गई है और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, और ऑलरेडी त्रिस्तरीय सुरक्षा में पूरे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जा रही है। इस प्रकार से जो ज़रूरी है उसके हिसाब से आंशिक रूट डाइवर्जन भी इस मंडी परिसर के आसपास किए गए हैं, और सभी पुलिसकर्मियों को भली भांति ब्रीफ किया गया है कि मजबूती से अपनी ड्यूटी करेंगे और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और सकुशलता से इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। सर, सोशल मीडिया, देखिए, लगातार हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है, और यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की अराजकता की का प्रयास किया या माहौल खराब करने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिह्नित करके उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जो प्रत्याशियों के साथ समर्थक आएंगे उनके लिए कोई संदेश हो? देखिए, पूर्व में ही सभी जो हमारे पार्टियां हैं उनके पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया है और निवेदन किया गया है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस पूरे प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे और उनके द्वारा भी इस संबंध में सहमति जताई गई। एसएसपी विनित जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए कि मतगणना का परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों द्वारा विजय जुलूस निकालने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। निर्देश दिए कि सभी क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर पिकेट और गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित कर किसी भी प्रकार का जुलूस आदि नहीं निकालने और शांति व्यवस्था बनाए रखें।